अगर रविदास जी आप ना होते तो। हाँ हाँ गुरुदेव, अगर आप ना होते तो गुरुदेव आज हम यहाँ नहीं। हाँ रविदास जी, आपने इन संतों का ईमान बचा लिया। हाँ महाराज जी, ये बड़ा अच्छा हुआ कि आपने हमको बचा लिया। बोलो सतनाम। सतनाम। रजब दास जी। गुरुदेव कहाँ हो? यही हूँ गुरुदेव। विजय दास कहाँ है? विजय दास किसी कार्य से बाहर गए हैं, वो आते ही होंगे। लीजिए गुरुदेव, वो आ गए। सतनाम गुरुदेव। सतनाम बच्चा। गुरुदेव कुछ और चाहिए तो मैं लाऊं? नहीं रज्जब, हमें कुछ नहीं चाहिए। जी गुरुदेव। प्रणाम रविदास जी, आज तो गंगा स्नान है, क्या गंगा स्नान करने नहीं जाओगे? नहीं, इस बार नहीं जाऊंगा, आप हो आइए। अच्छा अच्छा, जैसे आपकी इच्छा। प्रणाम रविदास जी। जरा ठहरिए पंडित जी। कहिए रविदास जी, क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या पंडित जी, ये मेरी तुच्छ भेंट गंगा मैया को चढ़ा देना। मैं इस शूद्र चमार की दी हुई भेंट को कैसे ले सकता हूँ? मैं इसको इस कपड़े में ही ले लेता हूँ और यही ठीक रहेगा। रविदास जी, आप अपनी ये भेंट इस कपड़े में डाल दीजिए और मैं गंगे मैया में जाकर चढ़ा दूंगा। लाइए डालिए। आखिर ये सब कैसे हो गया? अभी तक तो आप ठीक थे। हे गंगे मैया, ये मुझसे कौन सी भूल हो गई जो स्नान के बाद मेरी आंखें अंधी हो गई। देखिए पंडित जी, गंगा मैया प्रकट हो गई हैं। हे ब्राह्मण, तुमने रविदास की भेंट हम तक नहीं पहुंचाई और वापस ले जा रहे हो, इसलिए तुम्हें दंड मिला है। मुझे क्षमा करें गंगे मैया, मुझसे भूल हो गई, मैं अभी आपकी भेंट आपको पहुंचाता हूं। रविदास को दे देना और रविदास से कहना कि रविदास की भेंट स्वयं गंगा मैया ने आकर स्वीकार कर ली थी। जो आ गया गंगा मैया। Thank you.
काहे को अपना बेड़ा गर्क करने पर तुला है गंगाराम? अगर तूने ये कीमती गगन रविदास को दे दिया तो तुझे क्या मिलेगा? अगर तू ये कंगन राजा को देगा तो तुझे इसके बदले में राजा इनाम देंगे। और वैसे भी कौन सा तुझे रविदास ने देखा है जो तू कंगन उसे देगा? चल राजा के पास। महाराज की जय हो। कहो सेनापति, क्या बात है? महाराज, ये ब्राह्मण आपसे कुछ कहना चाहता है। ठीक है पंडित जी, कहो क्या बात है? महाराज की जय हो। मैं महारानी के लिए एक नायाब चीज लाया हूँ। दिखाओ क्या चीज है। अरे पंडित जी, क्या चीज है? कहीं हीरे जवाहरात तो नहीं लेकर आए? अरे क्या, लो सेनापति जी, ये महाराज को दे दीजिए। ठीक है, इसे हम रानी को देकर आते हैं। पंडित जी, तुम कल दरबार में आकर अपना इनाम ले जाना। जो आ गया महाराज। महारानी, आप क्या सोच रही हैं? देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। अरे वाह महाराज, ये तो बड़ा ही अच्छा कंगन है। कहाँ से मिला ये आपको? कहाँ से मिला? अरे ये छोड़िए, ये तो हमने आपके लिए मंगवाया है। इसे पहन कर देखिए। ठीक है महाराज, मैं इसे पहन कर देख लूंगी। आप दरबार का कार्य देखिए। ठीक है महारानी, हम दरबार का कार्य देखते हैं। वाह महारानी जी, कंगन तो बहुत सुंदर है। लग तो ठीक रहा है महारानी, पर दूसरा कहाँ है? दूसरा? दूसरा तो है नहीं। फिर तो महारानी जी ये बेकार है। महाराज की जय हो। महाराज जी, आज आपने इनाम के लिए बुलाया था। हाँ पंडित जी, इसके साथ का दूसरा कंगन कहाँ है? दूसरा तो नहीं है महाराज। तो क्या ये किसी का चुरा कर लाए हो? असल में मुझे तो, अगर चुरा कर नहीं लाए तो इसके साथ का दूसरा भी लाओ, हम तुम्हें इनाम देंगे, वरना हम तुम्हें कोल्हू में पिलवा देंगे। जाओ जल्दी जाओ। अभी तक गए नहीं हो तुम? महाराज, असल में ये कंगन तो मुझे रविदास ने।
तो ये कंगन तुम्हें रविदास जी की वजह से मिला है? हाँ महाराज। कहाँ है रविदास? उनसे कहो कि वो गंगा से हमें दूसरा कंगन भी मंगवा कर दे। महाराज मैं तो पहले ही उसका कसूरवार हूँ। अच्छा तो चलो हमें उनके पास लेकर चलो। चलिए महाराज। आइए महाराज। कहो कैसे आना हुआ हमारी कुटिया पर? रविदास जी हमें ऐसा ही कंगन मंगा कर दो जैसा आपने ये मंगाया था। पर मैंने तो कोई कंगन नहीं मंगाया था। ओ, तो ये बात है। क्या सोच रहे हैं रविदास जी? मैं सोच रहा हूँ मैंने तो कोई कंगन नहीं मंगाया था। आप समझे नहीं रविदास जी, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। असल में आज ये पंडित जी अगर ये बात है फिर से दूसरा कंगन मंगाने की जरूरत नहीं। अगर गंगे मैया ने मेरे लिए कंगन भेजा था तो दूसरा भी यहीं मिल जाएगा। हाँ मगर पंडित जी से कहें मन चंगा करके कटौती से कंगन निकाल ले, पर कटौती से एक ही कंगन निकाले। जाओ कटौती लेकर आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। ठीक है पर ये तो कटौती है, इसमें कंगन कहाँ से आएगा? हाँ महाराज ये चमड़ा भिगोने की ही कटौती है, पर जब मन चंगा तो कटौती में भी गंगा समा जाती है। चलिए पंडित जी निकालिए कंगन, जैसे कंगन की चाह हो वैसा अपना कंगन निकालिए। जो कंगन आपको चाहिए वही कंगन ले लें महाराज। पंडित जी बाकी इसी में डाल दें। बाकी इसी में डाल दें पंडित जी। वाह वाह रविदास जी वाह, आपने सच कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा समा जाएगी। आपने हमें भी धन्य कर दिया महाराज रविदास जी। धन्य हो आप, धन्य हो आप। क्यों पंडित जी हमने सच कहा ना, महाराज रविदास जी तो अंतर्यामी हैं। अच्छा रविदास जी अब मुझे आज्ञा दीजिए। चलो पंडित जी। आयुष्मान भव। तू बहुत रविदास के गुनगाने लगा है। अरे राजव दास, विजय दास। देखो बेटा मेरा चित्तौड़ जाने का मन कर रहा है। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। तो चलिए गुरुदेव कब चलना होगा? हम मीरा उसकी सास झाली से मिलकर परिस्थान करना चाहते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। तो जाओ चलने की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव।
महारानी की जय हो। आज गुरुदेव मेरे, क्या हुआ गुरुदेव को? आज वो मेरे ध्यान में आए हैं कि वो चित्तौड़ आ रहे हैं। चलो मीरा, गुरुदेव के स्वागत की तैयारी करेंगे। तो वो रविदास चमार हमारे महल में आ चुका है। और क्या बताऊं छोटे महाराज, इतनी हरकत तो आपके कुल को बट्टा लगाने के लिए काफी है। क्योंकि क्या और क्या बताना चाहते हो तुम? छोटे महाराज, रविदास एक ढोंगी साधु है। उसने महारानी पे और मीरा पर जादू कर रखा है। हाँ महाराज, महारानी तो बूढ़ी हो चुकी हैं, उन्हें तो कुछ दिखता नहीं। मीरा रविदास को अकेले बुलाकर अपने कक्ष में। पंडित जी, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो जो ठीक समझा छोटे महाराज, वही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप नहीं सुनना चाहते तो मत सुनिए छोटे महाराज। सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो तुम? कहाँ है वो इस वक्त? ये मुझसे क्या हो गया? छोटे महाराज तो बहुत गुस्से में, मुझे चलकर उनका मार्गदर्शन करना होगा। लड़त नाम को वीर परमाता म पावेगा, परमाता म पावेगा, बोवीर परमाता म पावेगा। अरे लड़त नाम को वीर परमाता म पावेगा, लड़त नाम को वीर परमाता म पावेगा। हाँ बैल पूजा कर सत गोर की, ताली खोल दे तेरे और की। पूजा कर सत गुर की, तल खोल दे तेरे योर की दी। ए बता बेगम पुर की जहां मुनि का धाम, गयवा नहीं आवेगा। अरे पहल रटक नाम को वीर परमाता म पावेगा, पहल रटक नाम को वीर परमाता म पावेगा, परमाता म पावेगा, बावीर परमाता म पावेगा। अरे पहल रटक नाम को वीर परमाता म पावेगा, लड़त नाम को वीर परमाता म पावेगा। जब तू अपने पट खोलेगा, तेरा खुदा तुद मैं बोलेगा जी। अरे जब तू अपने पट खोलेगा, तेरा खुदा तुद मैं बोलेगा जी। अरे लगी भटकता तू डोल दता, काम को दियोर मान को फिर निर्भय गुण गावेगा। ए पहल रटक नाम को वीर परमाता म पावेगा, पहल रटक नाम को वीर परमाता म पावेगा। ओ परमाता म पावेगा, बोबिड़े परमाता म पावेगा। अरे पहल रटक नाम को
चिरागा दलाल अंदर सो समंद खटी अपना मंदर ओ दी चिरागा दलाल अंदर सो समंद खटी अपना मंदर ओ दी आदत कंदर अदले के वल नाम को दोल दिवे घर पहुंचावेगा पर पहल रख नाम को परमात्म पावेगा पहल रख नाम को परमात्म परमात्म पावेगा बावड़े परमात्म पावे लरटत नाम को फिर परमात्म पावेगा सुमरन कर ले तूंगा जाप का एड़ा तीर जा तेरे पाप का दी अरे सुमरन कर ले तूंगा जाप का बेड़ा तीर जा तेरे पाप का दी आठो दाम दो गुरु के गुण गावेगा करे पहल रटत नाम को परमात्म पावेगा परमात्म पावेगा बावड़े परमात्म पावे करे पहल रटत नाम को परमात्म पावेगा पहल रटत नाम को परमात्म पावेगा बोलो साधु चाचा हे बोला रविदास जा उसका काम तमाम कर दो दिखाइए और इस पापी को सबक सिखाइए हाँ गुरुदेव दिखाइए अपनी शक्ति दिखाइए हाँ गुरुदेव दिखा दीजिए इसको कि आप क्या नहीं कर सकते नहीं मीरा नहीं महारानी मैं हथियार है विक्रम और पाखंडी पंडितों से कुछ नहीं कहूँगा पर हाँ मैं मीरा को इसके पापों से मुक्ति दिलाऊंगा और इनको सजा वो मालिक देगा और महारानी आप इसकी गवाह रहेंगी सुनो विक्रम सुनो ब्राह्मणों मैं चाहता तो तुम्हें सबक सिखा सकता था परंतु मैं मालिक की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता मुझे मालिक का हुक्म यही तक हुआ था पहले मैं मीरा को मुक्ति दिला दूं यहाँ का मूर्ख राजा और ये पाखंडी पंडित अभी तक मुझको पहचान नहीं पाए हैं और अब मेरे मालिक ने मुझे बुलाने का संदेशा भेज दिया है और अब मैं जा रहा हूँ Thank you.